बहुत तरह का पूरा जो है साफ है और ऐसा लग रहा है कि जैसे लोग 14 फरवरी के दिन का इंतजार कर रहे हैं। किस आधार पर लोग भारतीय जनता पार्टी और दुर्गेश लाल को वोट करेंगे? भारतीय जनता पार्टी ने एक पढ़ा लिखा नौजवान जो पिछली बार भी जनता की चाहत रही है और निर्दलीय में जिस प्रत्याशी ने लगभग 13,000 वोट पाए हैं और जनता उसको चाह रही थी, ऐसे प्रत्याशी को अपना प्रत्याशी बनाया है। भाइयों बहनों, लक्ष्मी जी अगर किसी में आएंगी तो लक्ष्मी जी आएंगी न साइकिल में आएंगी, न झाड़ू में आएंगी, न हाथी में आएंगी, न खूनी पंजे में आएंगी। लक्ष्मी जी आएंगी तो कमल के फूल में बैठकर आएंगी। और 14 तारीख को आप सब लोगों ने कमल के फूल वाला बटन इतना दबाना है। और पुरोला विधानसभा में मुझे लगता है कि विपक्ष नाम की कोई चीज रहने गई है, सिर्फ दुर्गेश्वर लाल ही हर जगह दिख रहे हैं। और इस बार जनता का जो आज तक की राजनीति विधानसभा में होती थी, धनबल और शराब का जो उपयोग करके जो लोग चुनाव जीत जाते थे, उन माता की पुष्कर धामी जिंदाबाद, 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 पुष्कर धामी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। सबके खिलाफ नशा और जनता खड़ी हो रही है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दुर्गेश्वर लाल के पक्ष में लगातार लोग दिन प्रतिदिन बढ़ता, उनका ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है। कमल खिलने जा रहा है और उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। पुष्कर धामी जिंदाबाद। लोग देख रहे हैं और हम जनता से इस तरह की अपील भी करते हैं कि इस बार एक गरीब के बेटे को वास्तव में गरीबी से निकल के आया है। और दीनदयाल उपाध्याय जी का जो नारा भी था कि अंत्योदय, अंतिम पंक्ति पे बैठे हुए व्यक्ति को आगे बढ़ाना है, अंतिम पंक्ति का व्यक्ति जब इस प्रदेश की विधानसभा में नेतृत्व तो करेगा तो मुझे लगता है कि यहाँ के गरीबों की मूलभूत जो यहाँ की आवश्यकताएं हैं उन आवश्यकताओं को उस विधानसभा के भीतर उठाएंगे। और मैं जनता से अपील करता हूँ कि 14 फरवरी के दिन कमल के सामने वाला बटन दबाकर दुर्गेश्वर लाल को विजयी बनाएंगे और इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और प्रदेश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी और प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के हाथों को हम लोग मजबूत करेंगे ताकि इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास हो सके। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। आज स्वास्थ्य के क्षेत्र में सबसे बड़ी स्कीम आयुष्मान भारत योजना अगर कोई लेकर आया है, जिस योजना में 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रत्येक साल के लिए एक व्यक्ति के लिए मुफ्त में रखा गया है। परिवार में अगर 5 लोग हैं तो 5 लोगों को 5-5 लाख रुपए का इलाज जो है मुफ्त में करवाने की व्यवस्था किसी ने की है? हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने की है। भाई बहन, उज्ज्वला योजना का आपने देखा, घर घर तक सिलेंडर पहुंचाने का काम प्रधानमंत्री आवास योजना में, आवास बनाने का काम हो या शौचालय बनाने का काम हो या आपके खातों में सम्मान के रूप में 6,000 रुपए सम्मान राशि भेजने का काम हो, ऐसे अनेकों कार्य प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहे हैं। भाइयों बहनों, सैनिकों के लिए 1 रैंक और 1 पेंशन देने का काम किसी ने किया तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। आज 4 धामों पर सड़कें भेजने का काम हो या उनके सौंदर्यीकरण का काम हो, बाबा केदार का पुनर्निर्माण हो या बाबा बद्रीनाथ का पुनर्निर्माण का कार्य अब जल्द ही शुरू होने वाला है, जिसके लिए 400 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत हो गई है। अगर ये कोई काम कर रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हो रहा है। भाइयों बहनों, राम मंदिर जिसके बारे में हम कहते थे कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, आज उस रामलला, मैं अयोध्या गया था भाइयों बहनों, मैंने देखा था कि रामलला टेंट में रहते थे और तमाम सरकारें आती गई जाती गई, लेकिन कोई इतनी हिम्मत नहीं जुटा पाया कि जहां भगवान राम की जन्मभूमि है उस जन्मभूमि में भगवान का भव्य मंदिर बनना चाहिए। अगर इस काम को भी किसी ने किया है, इस काम को भी किसी ने किया है तो भारत माँ के लाल नरेंद्र भाई मोदी ने किया है। भाइयों बहनों, आज चाहे काशी विश्वनाथ का मंदिर हो, आज हमारे चाहे धर्म एवं संस्कृति के उत्थान की बात हो, किसी के नेतृत्व में अगर देश आगे बढ़ रहा है, भारत का मान सम्मान और स्वाभिमान दुनिया के अंदर बढ़ रहा है तो हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में बढ़ रहा है। भाइयों बहनों, उत्तराखंड को आगे बढ़ाने का काम हो, आज चाहे हम हवाई सेवाओं की बात करें, आने वाले समय में हमारी चिन्यालीसौड़ की हवाई पट्टी
उसका विस्तारीकरण होने वाला है, उसके टीपीआर बनने की प्रक्रिया चल रही है, देहरादून का एयरपोर्ट हमारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हवाई अड्डा बनाने की बात चल रही है, आने वाले समय में गंगोत्री तक ऋषिकेश से ट्रेन चलाने की बात है, उस पर भी काम चल रहा है, उसकी डीपीआर बन चुकी है भाइयों बहनों, उसका पैसा भी स्वीकृत हो गया 23,000 करोड़ रुपया। ऐसे अनेकों कार्य आज प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में चल रहे हैं। मैं भी पिछले 5-6 माह से आप सबके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से केंद्रीय नेतृत्व ने मुझे उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में दायित्व सौंपा और मैंने कोशिश करी, चाहे हमारे कोई क्षेत्र हो,